सो हे यू व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त टोनी। सो यार, आज की इस वीडियो में आप लोग बात करने वाले कि आप लोग जो है अपना एक परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन जो है कैसे बना सकते हो। सो यार, मतलब मान लो आप लोग भी देखते हो यूट्यूब पे कि यार बहुत सारे बंदों के पास अपना जो है परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन है। ये मतलब कि यार परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को एक ही कपड़ा मतलब सालों के साल पहनने जाना है। परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन आप लोगों का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, मतलब मान लो आप लोगों का एक जो है पहचान पत्र होता है कि बंदे ने अगर किसी भी बंदे ने आप लोगों को जो है इनके में ऐसा कपड़ा देख लिया तो उसके मन में सबसे पहले ख्याल जो है आपका आएगा कि ये बंदे का जो है ये परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन है, कहीं ये बंदा मेरी गेम में तो नहीं आ गया। सो ये आप लोगों की तरफ से एक पहचान पत्र का काम करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि अज्जू भाई हो गया, अमित भाई हो गया, बाकी मतलब बैच 99 से लेके अंकुश, आयुष, पता नहीं क्या क्या भाई, सभी के पास अपना जो है परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन है। वैसे आप लोग भी अपना परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लेकिन यार मुद्दे की बात ये आती है कि भाई हमारे पास कोई रेयर इलाइट पास भी नहीं है, अपन जो है टॉपअप भी ज़्यादा नहीं करते, अपने पास इतने रेयर कपड़े भी नहीं है। सो यार अपन जो है मतलब अपना एक रेयर जो है ड्रेस कॉम्बिनेशन परमानेंट जो है वो कैसे बनाएं। सर ये वीडियो आप लोगों के लिए, वीडियो लास्ट तक देखना, मैं 110% श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो है ड्रेस कॉम्बिनेशन वो पूरा का पूरा बन जाएगा। सो यार देखो, सबसे पहले इसके जो है फायदों की बात करने से, यार देखो सबसे पहला फायदा तो यही है कि आप लोग अगर मतलब एक परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन रखोगे ना तो आप लोगों का दोस्त हो गया या कोई भी मतलब बंदा हो गया ना, वो आप लोगों को जो है इसी ड्रेस कॉम्बिनेशन से पहचानने लगेगा कि मतलब आप लोगों ने ये ड्रेस कॉम्बिनेशन अगर 3-4 गेम में पहना तो वो मतलब पहचानने लगेगा कि भाई ये ड्रेस कॉम्बिनेशन जो है वो इसका है। उसको आप लोगों का जो है नाम पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा कि ये मतलब ड्रेस कॉम्बिनेशन आप लोगों का जो है पहचान बन जाएगा। साथ में अगर आप लोगों के पास एक यूट्यूब चैनल है जैसे कि मेरे पास है, वैसे अगर आप लोग जो है एक परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन बना लोगे और उसी के साथ जो है गेम प्ले वगैरह जो भी अपलोड करते हो उसी के साथ यूट्यूब के लिए जो है तुम लोग अगर वीडियोज बनाओगे ना तो आप लोगों को बंदे भी जो आप लोगों की ऑडियंस है ना वो भी आप लोगों को पहचानने लगेगी कि इस बंदे के पास यही ड्रेस कॉम्बिनेशन है। सो अगर ये अपनी गेम में आया तो अपन जो है इसको आसानी से पहचान लेंगे बिना किसी के मतलब नेम से, मतलब नाम वगैरह आप लोगों का मतलब उसको पता हो या ना पता हो लेकिन आप लोगों को जो ड्रेस कॉम्बिनेशन उसको पता होगा। जैसे कि मान लो अगर कोई बंदा जो है अज्जू भाई बंडल पहन लेता है ना तो भाई मतलब सभी मतलब अज्जू भाई का बंडल पहन लेता है सर, सभी बंदे उस बंदे को बोलते हैं भाई ये देख अज्जू भाई का बंडल पहन के आया। वैसे ही आपके भी नेम पर जो है बंडल फेमस हो सकता है। वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों का जो है 110% बंडल बन जाएगा। सर देखो मतलब जैसे कि अज्जू भाई का बंडल हो गया, देखो मतलब अगर आपकी गेम में भी कोई बंदा अज्जू भाई वाला बंडल पहन के आता है तो आप लोग बोलते नहीं अरे भाई देखो यार अज्जू भाई वाला बंडल पहन के आया, अज्जू भाई वाला बंडल, मतलब कि अज्जू भाई के नेम से जो है वो बंडल फेमस हो गया या फिर उस बंडल की वजह से अज्जू भाई फेमस हो गया। ऐसे आप लोग भी जो है कर सकते हो, इसका जो है बहुत बड़ा रोल होता है आप लोगों के एक परमानेंट बंडल से। सो यार मतलब परमानेंट ड्रेस से। सो यार बाकी यार देखो मतलब तीसरा इसका मेन फायदा ये है कि आप लोगों को बहुत ही कम टॉपअप करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास एक परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन होगा तो आप लोगों को बाकी स्टोर से लेके किसी भी चीज़ इवेंट से ड्रेस खरीदनी नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों के पास पहले से ही एक परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन है। इससे आप लोगों को काफ़ी हद तक खर्चा बचेगा और बाकी यार गरीना भी सोचेगी भाई कैसा बंदा यार एक ही ड्रेस मतलब पहने जा रहा बाकी टॉपअप वगैरह कुछ नहीं कर रहा। सो वो आप लोगों के आईडी में काफ़ी हद तक डिस्काउंट देगी जिससे आप लोगों को मिस्ट्री शॉप में भी काफ़ी हद तक डिस्काउंट आएगा और साथ में आप लोगों को बहुत सारे इनके में जो है एयरड्रॉप भी आएंगे। सर मतलब कुल मिला के अगर आप लोगों के पास परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन है तो आप भाई मतलब गॉड हो, भगवान हो भाई यार आप। सर अभी बात करते हैं आप लोग जो है अपना एक परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हो। सो यार देखो मतलब अगर मैं तुम लोगों को अपनी आईडी में से बना के दिखाऊं कि आप लोग ऐसा ये पहन लो इससे आप लोगों का जो है एक परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सर वो बात नहीं बनेगी क्योंकि जो चीज़ें मेरे पास है वो उनमें से कुछ आप लोगों के पास नहीं होगी और जो चीज़ें आप लोगों के पास हैं उनमें से कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं होगी। सो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तुम लोग जो है कैसे पहन सकते हो। सर देखो आप लोगों को यार मतलब जैसे मान लो टी शर्ट्स में अगर आप लोगों के पास जो है कोई भी रेयर इलाइट पास नहीं है, मतलब सीजन 1, 2, 3 सकूड़ा से लेके हिप हॉप तक कुछ भी इलाइट पास नहीं है तो आप लोगों के पास अगर 1-1.5 साल पुराने इलाइट पास भी है ना तो वो भी मतलब अच्छे खासे चल जाएंगे। अभी मतलब 10-12 महीने हो गए, मतलब 1-1.5 साल ही हो गया लगभग कि गरीना बहुत ही गंदे इलाइट पास जो है वो दे रही है, लेकिन उससे पहले जो है गरीना थोड़े अच्छे इलाइट पास देती थी। और अगर आप लोगों के पास उनमें से कोई लाइट पास का कपड़ा है तो आप लोग जो है उनकी शर्ट या पैंट जो है यूज़ कर सकते हो, इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आप लोग जानते हो कि ब्लैक पैंट वगैरह मतलब कितना अच्छा लगता है और साथ में आप लोग जो है कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, मतलब जो मतलब कैपरी वगैरह होती है उसको भी पहन लेना काफ़ी अच्छी लगती है। और यार साथ में अगर आप लोगों के पास जो है मतलब कोई भी लाइट पास वगैरह नहीं है तो आप लोग जो है मतलब जो रैंक में फ्री में टी शर्ट्स मिलती है ना गोल्ड हीरो के जाने पर तो आप लोग वो भी पहन सकते हो, उससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी जो कि मतलब दिखने में एकदम अच्छी हो ना टी शर्ट वगैरह, सो उसको भी आप लोग पहन सकते हो। साथ में अगर आप लोगों के पास मतलब ये तो वैसे होगा ही, सो अगर आप लोगों के पास एक आध जर्सी भी है ना तो जर्सी भी पहन लेना क्योंकि जर्सी के साथ तो आहा मतलब क्या ही मस्त मजा आता है। और अगर आप लोगों के पास मतलब इतनी सारी चीज़ें ना कि आप लोग जो है इनको पहचान नहीं सकते तो मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए एक परमानेंट ड्रेस कॉम्बिनेशन भी वीडियो बना दूंगा तो आप लोग उसको देखकर थोड़ा बहुत मतलब आइडिया लगा सकते हो। ऊपर तो वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे पास वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन उसके बाद पास मुझे बेल आइकन आएगा उसके बाद ऑल पे सेट कर देना, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपका भाई आपके लिए लाता रहता। बाकी यार मेरे अभी स्कूल जो है वो ओपन हो चुके हैं जिसकी वजह से वीडियो बहुत ही कम आ रही है, मतलब
तक एक दिन में एक ही वीडियो आ रही, लेकिन बहुत जल्दी जो है मैं फिर से रेगुलर हो जाऊंगा और भी ज़्यादा वीडियोज आएंगी। सो करते तुम लोग वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई इंस्टा पर फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड पीस आउट।